से वहां से चलता है। इस बार अपना काम सही से किए होंगे, प्रचार प्रसार जितने का उम्मीद तो उन्हीं को लग रहा है। पहले चरण जिसकी वोटिंग 18 दिसंबर को थी, उसकी जो मतगणना है वो शुरू हो गई है और मतगणना स्थल के प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहाँ भारी संख्या में जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो यहाँ पर जमा है और जो मतगणना है वो शुरू हो गई है और जो उसका रिजल्ट है उसको जानने के लिए प्रत्याशी है वो सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर जमे हैं और भारी संख्या में जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है और जो माइक के जरिए अनाउंस करके बताया जा रहा है कि किस तरह से गिनती कहाँ क्या हो रही है और उसको सुनने के लिए और रिजल्ट जानने के लिए तरीके से चल रही है और इस बार जो है 3 पदों पर जो वोटिंग है वो की गई है, तो इसको लेकर जो समर्थक है उनकी भी संख्या इस बार काफी बढ़ गई है। देखिए तमाम जो समर्थक है काफी उत्साहित है और अपने प्रत्याशी के जो चुनाव चिन्ह उसके साथ जो नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। देखिए कई सड़क पर इसी वजह से थोड़ी सी भीड़ भी उत्पन्न हो गई है क्योंकि समर्थक जो है वो भारी संख्या में वहाँ जमा है और बीच रोड पर की बात करें या फिर मतगणना स्थल के बाहर की शहर और जो समर्थकों का जमावड़ा है वो देखने को मिला है। जो तमाम कई प्रत्याशी भी हैं और उनके समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बार देखिए कुछ लोग जो है वो निराश होकर भी निकल रहे हैं तो कुछ उत्साहित भी हैं। क्या लग रहा है क्या जी? मैं तीनों पद पर जो उम्मीदवार अपना काम सही से किए होंगे, प्रचार प्रसार जितने का उम्मीद तो उन्हीं को लग रहा है। गिनती चालू हो गया, कब तक रिजल्ट आने हैं? रिजल्ट आने में अभी टाइम है, अभी तो गिनती शुरू हुआ है, आधा एक घंटा हुआ है, उसके बाद देखिए क्या होता है। मेरा अभी मेरे पंचायत का गिनती चालू नहीं हुआ, कुछ जगह की गिनती शुरू हुई है और कुछ जगह की जो गिनती है वो नहीं शुरू हुई है। तो लोगों का कहना है कि जो इस बार काम करेगा वही जीतेगा। हम लोगों ने काम के हिसाब से वोट दिया है, जो हमारे जो नगर परिषद है उनका बेहतर विकास करेगा हाँ वही जीतेगा, उसी हिसाब से इस बार लोग जनता तो सोच के वही दिए वोट कि जो है बेहतर विकास। शांतिपूर्ण काउंटिंग हो रहा है अभी तो फिलहाल, हो रहा हाँ जी शांतिपूर्वक चल रहा है। हाँ ठीक है, व्यवस्था सही है, लेकिन थोड़ी रोड पे है इसी वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा सब कंजेस्टेड करवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रोड है तो आप ही आने जाने में भीड़ लगाने का तो बनता ही है, लेकिन जो खड़े हैं उनके कोई रिलेटिव को आए हुए हैं, इस वजह से तो भीड़ जमा हो गया रोड पे, थोड़ा गाड़ी में आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे व्यवस्था को देखते हुए करवाना चाहिए था मैंने लोग को, बाकी अंदर तो अभी तक गया नहीं है, हम लोग का वार्ड का एक गिनती स्टार्ट हुआ नहीं है, इसी वजह से अभी तक हम अंदर गया नहीं। अंदर जाने के बाद अभी तक तो देखे जहाँ तक शांतिपूर्वक हो रहा है और हो, देखिए आगे क्या होता है। तमाम समर्थक कई प्रत्याशियों के समर्थक हैं जो अपने वार्ड की गिनती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो प्रशासन की व्यवस्था है वो अंदर तो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, लेकिन अगर मतगणना केंद्र के बाहर की बात करें तो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है, जिस वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर परेशानियाँ ज़रूर है, लेकिन अंदर जो गिनती है वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है और 11 से 12 बजे के लगभग से जो रुझान है वो आने लगेंगे और उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो यहाँ शुरू हो जाएगा। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एच न्यूज़ पटना।